वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और कल आपका BEGLA 138 जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड है, इसका पेपर है। इसकी कॉन्सेप्ट क्लास लेने का समय तो नहीं है, लेकिन आपको एक हेल्प मैं यहाँ पर करके दूंगा कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 साल के पेपर में क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। कौन सा कोड आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा, यह है आपका BEGLA 138। और यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि रिपीटेड है। पहली बात तो दोस्तों यह है कि ये क्वेश्चन क्या रिपीटेड हैं। दूसरी बात, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप क्या कर लें, सोल्व कर लें। यहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको एग्जाम का पैटर्न भी बता दूंगा कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आना है, ताकि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ। बिल्कुल तसल्ली में हम ये चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रही होंगी, चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको दोनों ही चीज़ें एकदम साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना BEGLA 138 को समझना, और जो भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे वो सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। डन, देखिए, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट एक कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि मैंने सब्जेक्ट कोड को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने ये नहीं देखा कि कौन सा पेपर रह रहा है, लेकिन ये पेपर रह रहा है। एक व्यक्ति की, एक लड़की की कमेंट थी कि सर ये वाला कोड के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। क्योंकि इग्नू वाला हमेशा कमेंट पे काम करता है, जो कमेंट आप करते हैं, अगर आप गलत कमेंट करते हैं तो उस पर भी हम काम करते हैं ब्लॉक करने का, और अगर आप अच्छी कमेंट करते हैं तो उस पर भी हम काम करते हैं क्लास बनाने का। और अगर आप कमेंट नहीं करते तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने पर ध्यान देते हैं। देखिए, अगर बात करें BA की, अगर BA की बात करें तो BAG का जो आपका कोर्स है, तो यहाँ पर जो मैं आपको पेपर सबसे पहले डिस्कस करूँगा, दिसंबर 2022 का पेपर होगा दोस्तों, और ये बिल्कुल ही लेटेस्ट पेपर है, ये बिल्कुल ही लेटेस्ट पेपर है। यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से रिपीटेड होना तय है, यहाँ से कोई ना क्वेश्चन आपका रिपीट जरूर होता आपको दिखाई देगा, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होना तय है। बात करें कोड की, तो कोड आपको अपने पता ही है, लेकिन अगर इसके सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें रीडिंग स्किल्स की हम बात करेंगे, यानी पठन कौशल की बात करेंगे और स्पीकिंग स्किल्स की बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है किसी भी लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं, LSRW से हम इसे डिनोट करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। 4 स्किल्स में से यहाँ पर रीडिंग उठाया गया और स्पीकिंग उठाया गया है, उसी पर बेस आपसे लगभग 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा। और ये इस पेपर की जो टाइमिंग होगी वो लगभग 3 घंटे आपको देखने के लिए मिल रही है। सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते, आपको हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। चलिए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप कहोगे सर पहला प्रश्न तो नहीं है, ये दूसरा प्रश्न है। देखिए, जो हर पेपर का, मैं यहाँ जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगा, जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा, उनका मैंने एक क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो नहीं कराया। आप कहोगे सर पहला क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, आपने पहला क्वेश्चन का डिस्कस क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं बनता, पहले क्वेश्चंस को तो केवल आप अपनी इंटेलिजेंस लेवल से, अपनी बुद्धि से ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम कहते हैं पैसेज। पहले क्वेश्चन में हमेशा क्या आता है दोस्तों, पैसेज आता है, जिसे आप आम भाषा में अनसीन पैसेज कहते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे क्या होते हैं दोस्तों, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चंस मैंने क्यों नहीं लिए, पता चल गया आपको, पहले क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस उसमें थे वो सारे अनसीन पैसेज को पढ़कर सोल्व करने थे, और हर पेपर में पैसेज जो होता है दोस्तों अलग देखने को आपको मिलता है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो दूसरे क्वेश्चन से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें साइलेबल वाइज, यानी साइलेबल के अकॉर्डिंग क्या करना है दोस्तों, साइलेबल के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, डिवाइड करना है साइलेबल वाइज यूजिंग अ हाइपन। हाइपन से क्या करना है आपको, हाइपन लगाना है। हाइपन आपने सुना होगा, ये छोटा जो माइनस का चिन्ह होता है, इसे हाइपन कहते हैं। टू मार्क साइलेबल बाउंड्रीज, और आपको क्या करना है, मार्क करनी है अपनी साइलेबल बाउंड्रीज एंड मार्क द प्राइमरी स्ट्रेस। तो प्राइमरी स्ट्रेस किस पे है और साइलेबल बाउंड्री किस पर है, इसके लिए आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर है, अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसमें एक तो हेली शब्द है और दूसरा है आपका कौन सा, कॉप्टर शब्द। तो आप बताइए हेलीकॉप्टर में स्ट्रेस किस पर है, अगर हम स्ट्रेस की बात करें, प्राइमरी स्ट्रेस किस पर है, हेली पर या कॉप्टर पर, तो से हेलीकॉप्टर, तो यही इसका क्या, हेली जो है इसका, ये इसका प्राइमरी स्ट्रेस है दोस्तों, ये क्या है, इसका प्राइमरी स्ट्रेस है। तो इस तरीके से आपको इन्हें क्या करना है, डिवाइड करना, और बीच में मैंने जो चिन्ह लगाया दोस्तों, दैट इज द कोल्ड हाइफन,
इसे हम क्या कहेंगे, हाइफन कहेंगे। और ये पूरा जो वर्ड बन गया इसे आप हाइफनेटिक वर्ड या फ्रेज कह सकते हैं, हाइफनेटिक वर्ड। डन, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में डिवीजन करना है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया, आठ वर्ड्स को आपको डिवाइड करना है, आठ नंबर का ये क्वेश्चन था। सेक्शन बी में हम पहुंच चुके हैं, सेक्शन ए में केवल दो क्वेश्चन थे, एक पैसेज था, एक आपको क्या करना था, वर्ड्स को डिवाइड करना था अकॉर्डिंग टू दियर साइल लेवल, और साइल लेवल के बीच में आपको लगाना था मार्क करने के लिए हाइफन। इतनी बात अगर आपको याद हो गई हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिए, व्हाट आर द सिक्स टाइप्स ऑफ नॉलेज, यानी जो नॉलेज होती है वो कितने तरीके की होती है, सिक्स तरीके की होती है। तो आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है कि नॉलेज की जो सिक्स टाइप्स हैं वो कौन से होते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लगाएंगे स्टार, यहाँ पर आप स्टार लगाएंगे, एक सिंगल स्टार या डबल स्टार आप इसे दे सकते हैं। और आपको इसमें एक स्क्रॉल टेक्निक बतानी है, जब हम किसी पैसेज को पढ़ रहे होते हैं तो उसको समझने में एक टेक्निक यूज होती है जिसे हम स्क्रॉल टेक्निक कहते हैं। दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल टेक्निक। और इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिसे हम कहते हैं स्क्रॉल टेक्निक। तो इस पर लगाएंगे आप स्टार। समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा लग रही है क्लास, मज़ा आ रहा है तो लाइक करके जाएं। इस क्लास पर मैं रखता हूं 100 लाइक्स का छोटा सा टारगेट। देखिए अगली बात, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट आर द फाइव मेजर एबिलिटीज ऑफ ए स्किल्ड रीडर, यानी जो एक स्किल्ड रीडर होता है दोस्तों क्या होता है, एक जो स्किल्ड रीडर होता है जो पढ़ना अच्छे से जानता है, जिसके अंदर होते हैं रीडिंग स्किल्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्या हो, सारे रीडिंग स्किल्स हों, उसके अंदर क्या क्वालिटीज आपको देखने के लिए मिलती है ना, फ्लुएंसी होती है या फिर आपके समान के लिए कॉम्प्रीहेंशन पावर अच्छी होती है, तो वही आपको देखना। हाउ कैन रीडर्स ऑफ अ पोएम डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंग्स एंड सिग्निफिकेंस, जब भी कोई व्यक्ति किसी पोएम को पढ़ रहा होता है तो उसके मीनिंग में यानी पोएम के अर्थ में और उसके महत्व में किस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं, बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर मीनिंग की बात करें तो शाब्दिक मीनिंग होता है, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग होता है, लेकिन सिग्निफिकेंस की बात करें तो बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं कि इंपोर्टेंस की बात होती है, उसके भाव की, इमोशन की बात होती है, क्योंकि हर पोएम का एक इमोशन होता है। डन, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ब्रीफली डिस्कस द एम्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, भाई डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स के क्या एम्स हो सकते हैं, क्या लक्ष्य हो सकते हैं किसी के अंदर, क्या डालने के, रीडिंग स्किल्स डालने के। भाई रीडिंग स्किल्स डाल के तो आदमी को नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। मेंशन द नॉन एज वेल एज द अननोन एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट, तो एक जो टेक्स्ट होता है, रीडिंग टेक्स्ट होता है, इसके दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, आपके बुक में साफ साफ लिखे हुए हैं। रीडिंग टेक्स्ट के क्या होते हैं, दो प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं नॉन जिन्हें हम जानते हैं और एक होते हैं अननोन एलिमेंट जिन्हें हम नहीं जानते। तो आपको क्या करना है, इनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लगा लेंगे दोस्तों आप स्टार। डन, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स से। सही है, मजा आ रहा है आपको, चीजें साफ साफ दिखाई दे ही रही होंगी आपको, है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आप फोकस करेंगे जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो बिल्कुल नॉर्मल से पेस के साथ, बिल्कुल सहजता से, तसल्ली में मैं आपको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ब्रीफली डिस्कस द वेरियस लिंग्विस्टिक लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, यानी जब भी हम किसी कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी पैसेज को पढ़ रहे होते हैं तो उसे समझना कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। तो जब भी हम किसी की समझ डेवलप कर रहे होते हैं किसी टेक्स्ट को लेकर, तो उसके अंदर बहुत सी लिंग्विस्टिक लेवल्स होती हैं। तो आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है कि लिंग्विस्टिक लेवल्स क्या होती है, कॉम्प्रीहेंशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर लगाएंगे डबल स्टार। डन दोस्तों, व्हाट इज मीन्ट बाय रीडिंग बिटवीन द लाइंस इन कॉम्प्रीहेंशन, भाई रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब ये होता है कि आप उस पैसेज का क्या करें, आप उस पैसेज को एनालिसिस कर पाएं। दोस्तों इसे हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस का मतलब ये है, दो लाइन, रीडिंग बिटवीन द लाइंस एक फ्रेजेस का मतलब होता है, तह तक जाना, चीज़ों को डीपली समझना। तो जब हम डीपली कॉम्प्रीहेंशन कर रहे होते हैं तो उस डीपली कॉम्प्रीहेंशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस इन कॉम्प्रीहेंशन। ये आपके बुक का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू अ साउंड प्लॉट अकॉर्डिंग टू ईएम फोस्टर। तो याद रखिए, ईएम फोस्टर जो कि एक बहुत बड़े लिंग्विस्टिक हुए हैं, एक बहुत बड़े भाषाविद हुए हैं, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए थे। किसके एलिमेंट्स दिए थे, साउंड प्लॉट के। साउंड प्लॉट क्या होता है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। साउंड प्लॉट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे साउंड प्लॉट के बारे में नहीं बल्कि उसके एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है। साउंड प्लॉट का मतलब है ध्वनियों से संबंधित, ये होता है आपका कौन, साउंड प्लॉट। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इस पर आप लगाएंगे डबल स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ आपको बताने हैं क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट।
जो टेक्स्ट होते हैं आपके वो कितने प्रकार के होते हैं, जो हम रीडिंग टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं। आप कहोगे सर टेक्स्ट क्या है, ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं सब सेंटेंस नहीं है, टेक्स्ट है। लैंग्वेज से टेक्स्ट के रूप में देखते हैं, कुछ टेक्स्ट इंग्लिश में होते हैं, कुछ हिंदी लैंग्वेज में होते हैं, यही टेक्स्ट पैराग्राफ बनाते हैं, यही टेक्स्ट आपके पैसेज बनाते हैं और यही टेक्स्ट आपकी भाषा का बेस बनते हैं। तो टेक्स्ट ही सब कुछ होते हैं, याद रखिए टेक्स्ट ही बहुत से प्रकार के होते हैं। आपको टेक्स्ट के जितने भी टाइप्स होते हैं विद एग्जाम्पल बताने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर बात करें डायलॉग राइटिंग की, तो डायलॉग राइटिंग दो प्रकार की आपको देखने के लिए मिलेगी, कई प्रकार की होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल। लेकिन यहाँ पर अगर टीचर के बीच में हो रही है, एक टीचर के बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में, आपको क्या करना है, डायलॉग राइटिंग करनी है। डायलॉग राइटिंग करते कैसे, इंपोर्टेंस ऑफ स्टडी, यानी टीचर जो है बच्चे को समझा रहा है क्या, इंपोर्टेंस ऑफ स्टडी। तो आप इस पैटर्न पर इस डायलॉग राइटिंग को कर सकते हो कि टीचर ने ये कहा और स्टूडेंट ने फिर ये कहा, फिर स्टूडेंट ने क्या कहा दोस्तों, फिर स्टूडेंट ने ये कहा, और आप कहोगे सर फिर टीचर ने ये कहा। इस तरीके से आपकी ये कहानी क्या होती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, और इसी हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग। ऐसे आपको 10 से 12 टर्नअप्स लिखने पड़ते हैं, 10 से 12 सेंटेंसेज आपको बनाने पड़ते हैं कि टीचर ने कहा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी, डू यू नो, स्टूडेंट ने कहा, या आई नो एंड ऑब्वियसली आई डोंट नो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डायलॉग राइटिंग यहाँ पर करनी है। उम्मीद है बात अगर आपको समझ में आ गई हो, तब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राइट अ फॉर्मल डायलॉग बिटवीन। मैंने कहा था ना फॉर्मल डायलॉग होता है जो दो फॉर्मल व्यक्तियों के बीच में होता है। अब जो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग राइटिंग हो रही थी, वो एक स्कूल में हो रही है, और स्कूल जो है एक फॉर्मल प्लेस होती है पढ़ाई की, तो इसलिए डायलॉग राइटिंग फॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पर किसके बीच में, एक टीचर के बीच में, एक स्टूडेंट के बीच में, बस टॉपिक ही चेंज है। टॉपिक केवल यही है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने असाइनमेंट टाइम पर नहीं दिया, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने असाइनमेंट टाइम पर नहीं दिया, उनके साथ डायलॉग राइटिंग हो रही है। तो आपने सुना ही होगा टीचर ने कहा, स्टैंड अप स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट, जिन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, है ना। तो फिर राम खड़ा होता, राम स्टैंड अप, है ना। तो राम कहता सर आई डोंट हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट्स। इस तरीके से आप क्या करेंगे, डायलॉग राइटिंग करेंगे। और आपने देखा भी है स्कूलों में असाइनमेंट्स को लेकर किस तरीके से डायलॉग्स डिलीवरी होती है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो, तो इस वाले पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसको समझने में ये आपको एक घंटा लग जाएगा, पर मैं इसे पढ़ने की आपको टेक्निक बताऊंगा। देखिए, रोहन एंड सोनू आर टू बेस्ट फ्रेंड्स। रोहन और सोनू क्या हैं, आपके दो फ्रेंड्स हैं, हु हैव नॉट बीन एबल टू मीट ईच द ड्यू टू पेंडेमिक। भाई कोरोना पेंडेमिक हुआ, तो दोनों दोस्त आपस में मिल नहीं पाए। कौन कौन, रोहन और सोनू आपस में मिल नहीं पाए। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू मीट ईच अदर टुडे इवनिंग एट सोनूज हाउस विद अ प्लान टू वॉच अ मूवी ऑफ देयर चॉइस। यानी अब दोनों ने मिलने की कोशिश किया, दोनों ही चाहते हैं हम सोनू के घर जाकर मिलें, और क्या करेंगे, साथ में एक मूवी देखेंगे ताकि दोस्ती भरा माहौल बन जाए। क्रिएट एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन ऑन बिहाफ ऑफ रोहन परस्यूइंग सोनू टू स्टेप आउट द हाउस सो दैट बोथ ऑफ देम कैन एंजॉय एन इवनिंग स्ट्रॉल। याद रखिए आपको एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन लिखनी है। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब होता है एक अनौपचारिक बात आपको यहाँ लिखनी है, अनौपचारिक बातचीत आपको लिखनी है, जिसमें आपको ये डिस्कस करते हुए दिखाना है। आप इसे कह सकते हैं अनौपचारिक बातचीत आपको लिख के दिखानी है, और जिसमें आपको ये डिस्कस करके हमें दिखाना है, ये डिस्कस करके दिखाना है कि किस तरीके से सोनू ने और रोहन ने क्या किया, आपस में इस प्लान को डेवलप किया है कि हम इतने दिनों बाद अगर मिल रहे हैं तो क्यों ना हम क्या करें, क्यों ना एक मूवी देखें। डन। तो कन्वर्सेशन राइटिंग एक नॉर्मल सा टॉपिक है। अगर आपको चाहिए हेल्प कि सर कन्वर्सेशन राइटिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपको दो प्लेलिस्ट बताता हूं दोस्तों, जो आपके काम की हो सकती हैं। एक है आपकी BEGLA 136, इसके अलावा एक है आपकी BEGC 131। ये दो प्लेलिस्ट में मैंने एक पूरी ग्रामर कराई हुई है, आप इन्हें जाके चेक करें, है ना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक करें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी जितनी मेरी कॉन्सेप्ट क्लास है। तो उम्मीद है एक क्वेश्चन पेपर यहाँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन पेपर की तरफ हम आ चुके हैं। अभी हमने बात की थी दिसंबर 2022 के एग्जाम की, अब हम बात करते हैं जून 2022 के एग्जाम की, जो लगभग 6 महीने और पुराना पेपर है। इसका मतलब ये पिछले साल के दो पेपर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और दोनों ही पेपर में आप देख पाएंगे खुद ही कितने रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम पैटर्न कितना चेंज अभी तक हो पाया है। चलिए अगली अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन वही सेम है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको वही करना है, डिवीजन करना है, आपको हाइफन का यूज़ करना है, और साथ साथ आपको क्या करना है, साइलेबल वाइज क्या करना है, साइलेबल वाइज बाउंड्रीज बनानी है और प्राइमरी स्ट्रेस को अलग कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एब्जर्ड है, तो आप एब को अलग कर सकते हैं, जर्ड को अलग कर सकते हैं। एब्जर्ड, एब और जर्ड अलग अलग शब्द हैं। एब्जर्ड का मतलब होता है भद्दा, भद्दा कहते हैं आप, तो एब्जर्ड मतलब होता है भद्दा या फिर बहुत बेकार जिसे हम कहते हैं, तो वो होता है आपका एब्जर्ड या बैड लुकिंग भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से साइलेबल वाइज आप क्या कर सकते हैं, हाइफनेट कर सकते हैं चीज़ों को। एक सिंपल क्वेश्चन है, राइट एन इनफॉर्मल डायलॉग। मैंने आपको कहा था इनफॉर्मल डायलॉग भी होता है, फॉर्मल भी होता है। फॉर्मल मतलब हो सकता है स्टूडेंट टीचर के बीच में, मैनेजर एम्प्लॉयज़ के बीच में जो डायलॉग राइटिंग होती है, जो ऑफिसेज में यूज़ होती है या फिर ऑफिशियल्स में यूज़ होती है, वो सारी ही हमारी इनफॉर्मल राइटिंग होती है डायलॉग्स में। लेकिन जो
सॉरी फॉर्मल होती है, जबकि जो कि इनफॉर्मल डायलॉग होते हैं वो कौन से होते हैं, तो दोस्तों के बीच में हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं। जो दोस्तों और परिवार में होते हैं दोस्तों, वो याद रखिए कौन से होते हैं, इनफॉर्मल डायलॉग होते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि यहाँ का जो इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग है आप वो देख रहे हैं दो दोस्तों के बीच में, किन किन के बीच में, दो दोस्तों के बीच में, टॉपिक आपके सामने ही एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। तो दो दोस्त बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पर लेकर बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था आपको सबसे पहले यहाँ दो दोस्तों के नाम रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया दोस्तों का नाम राम और श्याम। क्या रख दिया दोस्तों, राम और श्याम नाम रख दिया, राम और श्याम रख दिया, डन। तो राम ने ये बात कही, फिर श्याम ने क्या किया, ये बात कही, और फिर राम ने ये बात कही। तो इस पैटर्न पर जो हम राइटिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड डायलॉग राइटिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, ऐसा सवाल आपको पेपर में जरूर आएगा। आपको करना है फाइव मेन स्ट्रेटजीज दैट शुड बी एडहेर टू फॉर एनहेंसिंग द स्किल ऑफ रीडिंग। यानी कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके अंदर अगर स्किल ऑफ रीडिंग आना चाहिए, यानी पठन कौशल डेवलप करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं, टेक्निक्स टू डेवलप रीडिंग स्किल्स। यानी अपने अंदर रीडिंग स्किल्स इनकल्केट करने के लिए क्या टेक्निक्स होनी चाहिए रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, डन। इतनी बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। एक्सप्लेन द फाइव कैटेगरीज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है इसकी कई कैटेगरीज हमने बनाई थी, कुछ कैटेगरीज पे ऊपर भी सवाल आए थे, तो उसकी यहाँ पर कौन सी कैटेगरीज बतानी है, पांच कैटेगरीज आपको यहाँ पर बतानी है। और आपको बताना है कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में। आपको सर कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए मैंने अभी बताया था ना, एक प्लेलिस्ट आपको बताई थी, वो तो आपके लिए कामयाब होगी। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है दोस्तों, एक क्या होता है आपका रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है आपका, और एक क्या होता है आपका, एक आपका रिसीवर होता है ना। इन दोनों के बीच में जो मीडियम होता है, ये जो मीडियम होता है कन्वर्सेशन का या कम्युनिकेशन का, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप चैनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन साइकिल बनाते समय आप ये याद रखिए, मैं सेंडर हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के थ्रू सेंड कर रहा हूँ, आप रिसीवर इन्फॉर्मेशन को नोट कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में चैनल या मीडियम का काम करता है यूट्यूब, दैट इज द कम्युनिकेशन साइकिल। इससे हमारी कम्युनिकेशन साइकिल चलती है दोस्तों। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो अगले क्वेश्चन पे हम आ गए, डिफरेंशिएट बिटवीन। आपको अंतर करके दिखाना है किसमें, अटेंशन स्पैन और मेमोरी स्पैन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई अटेंशन स्पैन का मतलब तो ये होता है जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं तो हमें पूरे ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना होता है, उस समय अपनी मेमोरी को भूल जाते हैं। और मेमोरी स्पैन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं तो हम कितनी कोशिश कर रहे हैं उसे याद करने की, कितनी उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, इसके नोट्स आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट आर द सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो कम्युनिकेशन है इसके सेवन सीज कौन से होते हैं। सेवन सीज की अगर बात करें हमारे, तो आपने सुना होगा सेवन सीज में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि बैरियर्स को खत्म करती हैं, जैसे आपका चैनल हो गया एक है ना, तो वो भी सेवन सीज के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको दूंगा ट्रिपल स्टार, डन। अगली बात करें, व्हाट इज द क्रिटिकल रीडिंग एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस वन कैन आस्क वन सेल्फ टू रीड क्रिटिकली। बिल्कुल, क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है, जिसे आप चिंतनशील पठन भी कह सकते हैं, एक ऐसा पढ़ने का तरीका। ज़्यादातर क्रिटिकल रीडिंग वो लोग करते हैं जो बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस बनने के लिए जो लोग यूपीएससी या उसकी तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो सारे ही लोग अपने टेक्स्ट को क्रिटिकली पढ़ते हैं। और जब भी हम किसी सेंटेंस को, किसी टेक्स्ट को या फिर बुक को क्रिटिकली पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ हमें कुछ क्या करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं अपने आप से। और याद रखें उन क्वेश्चंस के पीछे हमें हमेशा वाई जरूर लगाना पड़ता है। जब हम किसी भी क्वेश्चन के पीछे वाई लगा देते हैं तो अपने आप ही क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन बन जाता है ना। तो यहीं पर आपको बताना है कि किसी भी टेक्स्ट को क्रिटिकली कैसे रीड करें, वाई लगाकर, है ना। भाई फॉर एग्जांपल सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन, वाई, केवल सात ही क्यों, आठवां क्यों नहीं, इस तरह के क्वेश्चन अगर हम पूछने लगे तो इसे हम क्रिटिकल रीडिंग कहने लगते हैं। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन पेपर भी आपका खत्म होने वाला है। ब्रीफली डिस्कस द थ्री मेन स्ट्रेटजीज। मैंने अभी बताया था ये स्ट्रेटजीज वाला सवाल जरूर आएगा आपके लिए, ट्रिपल स्टार में दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कि तीन मेन स्टेजेस बताओ किसकी, रीडिंग की, अलोंग विद द डिफरेंस बिटवीन। आपको एनालिसिस में और सिंथेसिस में अंतर भी बताना है, और कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ रीडिंग भी आपको बताने हैं। भाई कॉग्निटिव आउटकम्स की बात करें तो ये क्या करता है, आपके इंटेलिजेंस लेवल को क्या करता है दोस्तों, इंटेलिजेंस लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। या आपके अंदर डेवलप करता है क्या, लैंग्वेज स्किल्स। या आपके अंदर क्या डेवलप करता है, लैंग्वेज स्किल्स। अगर बात करें एनालिसिस और सिंथेसिस की, मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को पार्ट्स में बांटकर समझना, है ना। बहुत बड़ा टेक्स्ट है, बहुत बड़ा पैसेज है, पार्ट्स में उसे समझना एनालिसिस होता है। और बाद में पूरी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेना, इकट्ठा कर लेना, कलेक्ट करना, है ना, कलेक्ट करना, नॉलेज को कलेक्ट करके क्या करना, नॉलेज को कलेक्ट करके सिंथेसाइज करना, इसे हम सिंथेसाइजिंग स्किल कहते हैं। याद रखेंगे इतनी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ट्रिपल स्टार मैंने इसको दिए ही थे।
दो पेपर आपको समझ में आ गए होंगे, आपके स्क्रीन पर आ गया है तीसरा पेपर। मैं चाहता तो इसके ऊपर तीन क्लास बना सकता था दोस्तों, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या किया, एक ही क्लास में तीन क्वेश्चन पेपर इसलिए कराए ताकि आप एक चीज़ समझ सके कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बैठ रहे हैं, है ना भाई। ज़्यादातर क्वेश्चन रीडिंग के ऊपर आ रहे हैं, स्पीकिंग को थोड़ा यहाँ पर कम फोकस किया गया है। अब जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है यह है दिसंबर का, और वो भी 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ये बात आपको याद रखनी है। डन दोस्तों, चलिए कल मॉर्निंग में आपका इसका एग्जाम है, बेहतर इसकी तैयारी करना। यहाँ भी मैंने पहला क्वेश्चन क्या किया हुआ दोस्तों, स्किप किया हुआ है, लेकिन ये बहुत पुराना पेपर है तो इसके पैटर्न को आप थोड़ा कम फोकस करेंगे। जून के और दिसंबर 2022 के पेपर जो पहले दो मैंने कराए उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये तो दिसंबर 2021 का पेपर है, लगभग दो साल पहले का पेपर है, ये कहीं ना कहीं रिपीट होने की संभावना इसकी कम होती है। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, ये पैसेज का सवाल है, इसको हम करेंगे स्किप, क्योंकि पैसेज आपका हर बार चेंज होता है। डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए वही सेम क्वेश्चन, स्टार लगा लो, वही सेम क्वेश्चन तीन बार रिपीट हो चुका है, ट्रिपल स्टार हम इसे देंगे। क्या है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग। भाई पठन कौशल की कौन कौन सी स्टेजेस होती है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रीडिंग सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। अब रीडिंग के दो तरीके होते हैं, एक तो इंटेंसिव रीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, आप इसे कह सकते हैं रीडिंग विद फोकस। और डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव रीडिंग, ये होती है फन के लिए, चीज़ों को ना समझकर, जैसे हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो हम एक्सटेंसिव रीडिंग का यूज़ करते हैं, ऊपर ऊपर से देखते चलते हैं, लेकिन जब हम कोई आईएएस आईपीएस व्यक्ति किताब पढ़ रहा होता है तो इंटेंसिव रीडिंग से पढ़ता है। सम ऑफ द रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज, भाई रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज बहुत सारी होती है कि जब भी हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमें रेडी होना पड़ता है, तो कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो रीडिंग रेडीनेस के लिए यूज होती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, मैंने कहा था ना ये है वो सवाल जो रिपीट होता है बार बार, केवल पांच सवाल भी करके चले जाओगे तो भी पास हो जाओगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है ये आपको यहाँ पर बता दी गई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स। देन दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर होगी, की एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी है ना, फाइव की एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर कौन सी पांच बातें ऐसी होनी चाहिए जो हर स्टोरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, ऐसी पांच बातें आपको यहाँ पर स्टोरी की बता देनी है जो कि आपको हर स्टोरी में देखने के लिए मिलती है। डन। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो यहाँ पर आता है आपका डिफरेंशिएट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिटेल्स, रिदम और स्ट्रेस क्या होता है। रिदम होता है पोएम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, इसे हिंदी की समझ लीजिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रानी है पानी है, हमें क्या है रिदम है, जब ये पोएम अच्छी लग रही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार और आर में क्या है दोनों, आप कहोगे आकाश सर आपकी पोएम एक है, बिल्कुल जब हमारा चैनल एक है तो हमारी पोएम भी एक ही होती है ना। फॉलिंग एंड राइजिंग इंटोनेशन, इंटोनेशन क्या होता है, तनाव अनुतान जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कहते हैं दोस्तों इसे अनुतान। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा अगर हमें मछली जल की कहानी गानी है तो हम दो तरीके से गा सकते हैं, एक तो बिल्कुल एक सिंपल रिदम में, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है खत्म, लेकिन एक तरीका होता है जो आपको टीचर ने सिखाया होगा, मछली जल की रानी है, ये क्या अनुतान, डाउनफॉल अपफॉल जो होता है दैट इज इंटोनेशन। जब हम किसी चीज़ में इस तरीके से उतार चढ़ाव करते हैं ना, इस तरीके से, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल वो वाला हो गया जब किसी व्यक्ति के मरने की नस चल रही होती है, वो नहीं है, ये इंटोनेशन है कि जब हम अपनी वॉइस को कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे, जब वॉइस को हम ऊपर करते हैं तो इसे कहते हैं राइजिंग इंटोनेशन, जब वॉइस को नीचे लेके जाते हैं तो इसे हम कहते हैं फॉलिंग इंटोनेशन, यही होते हैं इंटोनेशन के टाइप। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के एग्जाम में छप सकते हैं ऐसे प्रश्न। डन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो मैं आपको बता देता हूँ, जब आपके लिए फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक साथ तीन पेपर दे दिए, आपके दिमाग में लोड पड़ा होगा, दैट इज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। जब आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं आवश्यकता से बाहर पहुंच जाए तो हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी टू डू एफिशिएंट स्टडी रीडिंग एंड द स्टेप्स व्हाट आर द कीप्ड इन द माइंड वाइल्स समराइजिंग अ पैराग्राफ। याद रखिए जब भी हम किसी पैराग्राफ को समराइज कर रहे हों, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक पन्ने का पूरा क्या दिया दोस्तों, एक पन्ने का पैराग्राफ दिया और मैंने आपसे कहा इन्हें पांच लाइन में समराइज कीजिए, तो आप कैसे समराइज करेंगे, क्या क्या अपने दिमाग में रखेंगे बातें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ साथ आपसे पूछा गया है, स्ट्रेटेजीज पूछी गई है रीडिंग की, मैंने कितनी बार कहा है रीडिंग की स्ट्रेटेजी याद कर लेना, स्टेजेस याद कर लेना, रीडिंग पर दो क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपेंगे। आयुष सर की बात याद रखना, यहाँ पे या तो आपसे स्ट्रेटेजीज पूछी जाएंगी या आपसे पूछी जाएंगी डिफरेंट स्टेजेस, क्या पूछी जाएंगी दोस्तों डिफरेंट स्टेजेस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन छपेगा, वादा है मेरा आपसे छपेगा दोस्तों। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और यहाँ हो गया आपका ये पेपर खत्म। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ये थी आपकी BEGLA 138 की क्लास, जो कि आपकी दरख्वास्त पे मैंने तीन साल के क्वेश्चन पेपर में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, कल आपका एग्जाम होगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।